समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, भारत माता को नमन करती हूँ, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ। भाई भाई राष्ट्रभक्त कवित्री हैं ये। मैं कुछ पंक्तियाँ आप सबके बीच रखती हूँ। प्रयागराज से चलकर इस प्रयाग चूंकि वैसे तो ये मेरे निकट ही है, आप सबके बीच आई हूँ और आप सबकी तालियों का आशीष मिले लेकर जाऊं। ऐसे तो आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं पर बहुत अच्छा का परिचय तो अब तक आप सबने नहीं दिया। आदरणीय भाई साहब ने नहीं, नहीं, फिर भी हक आपका बनता है। अभी शानदार महफिल सजाई और आप सब उसका आनंद ले रहे हैं। प्रयागराज से चल करके आई है यानी पैदल आई है। अपना हाथ खोलिए, ध्यान दीजिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रतिमा। अपना हाथ खोल कर हम सबको मुझे आदेशित कीजिए, कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। ये दिल की बात दिल तक जो पहुंच जाए समझ लेना, ये दिल की बात दिल तक जो पहुंच जाए समझ लेना, मेरी इस भावना का मर्म जो आए समझ लेना, मेरी इस भावना का मर्म जो आए समझ लेना, वही तेरा सहारा है, वही तेरा सहारा है, वही मेरा सहारा है, सरल सी बात है इतनी समझ आए समझ लेना, सरल सी बात है इतनी समझ आए समझ लेना। आप बहुत सुंदर सुनेंगे तो हम बहुत सुंदर सुनाएंगे, आप सब तालियों का उपहार देते रहिए। मैं देश की बेटी हूँ, जब भी कुछ लिखती हूँ तो राष्ट्रप्रेम ही लिखाता है। चार पंक्तियां अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। लगे जो गीत गजलो सी सुरीली शाम हो जाऊं। बहुत अच्छे भाई, वाह। मंच का ध्यान चाहती हूँ। लगे जो गीत गजलो सी सुरीली शाम हो जाऊं, वतन के काम आ जाए वही बलिदान हो जाऊं, वतन के काम आ जाए वही बलिदान हो जाऊं। हर व्यक्ति के जीवन में मोहब्बत होती है, मैं अपनी मोहब्बत आप सबके बीच रखती हूँ। बहुत अच्छे। तमन्ना है मोहब्बत की, तमन्ना है मोहब्बत की, मुझे कुछ इस तरीके की, वतन के नाम जी लूं मैं, वतन के नाम मर जाऊं, वतन के नाम जी लूं मैं, वतन के नाम मर जाऊं। अभी कुछ दिनों पहले हम सब चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस मना रहे थे। चूंकि मैं प्रयागराज की धरती से आई हूँ और चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली है तो कुछ पंक्तियाँ शहीदों के लिए अर्पित करती हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ, आप सबका आशीष मिलता रहे। मोहब्बत है वतन मेरा वतन आवाज लिखती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूंगी। मोहब्बत है वतन मेरा वतन आवाज लिखती हूँ, जो सांसों में समा जाए हिंदुस्तान लिखती हूँ, वतन पर मिटने वालों को सदा हम याद रखेंगे, शहीदों की शहादत को मैं तीर्थ धाम लिखती हूँ, शहीदों की शहादत को मैं तीर्थ धाम लिखती हूँ। देश की बेटी हूँ, जब भी कुछ लिखती हूँ राष्ट्रप्रेम लिखाता है। आदरणीय भाई साहब को मैं नमन करती हूँ, मैं इनके माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इनको इतना अच्छा संस्कार दिया, अपनी बेटी को इस जो इन्होंने एक बनाया है मानव जनसेवा संस्थान उसकी अध्यक्षा बनाया, ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा है हमारे देश के लिए, जो अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए ऐसे माता पिता बहुत कम ही मिलते हैं। ये नहीं कहते कि माता पिता अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, पर कहीं ना कहीं समाज से डर के या कुछ भी, पर ऐसे पिता को मैं नमन करती हूँ और इसी बेटी को धन्य है जिन्हें ऐसे पिता मिले हैं। और कुछ पंक्तियाँ आपके लिए मैं अर्पित करती हूँ। वो ऐसा कैसा समय रहा होगा जब रानी लक्ष्मीबाई, जिस समय देश में बेटियाँ डर के घरों में छुपी रहती थी, उस समय राष्ट्र की रक्षा के लिए मैदान में उतर आई होंगी तो कैसी भाव रहे होंगे, कैसे
संस्कार रहे होंगे आप सब तक पहुंचाती हूँ। मोहब्बत की किताबों के मैं पन्ने फाड़ आई हूँ, पंक्तियाँ आपको पहुंचाती हूँ। मोहब्बत की किताबों के मैं पन्ने फाड़ आई हूँ, जो आईना गवाही दे उसे मैं तोड़ आई हूँ। मेरा ये दिल वतन के वास्ते अब तक कुमारा है, मेरे इस इश्क का महबूब हिंदुस्तान हमारा है। मेरे इस इश्क का महबूब हिंदुस्तान हमारा है। मेरे दिल की धड़कन पर केसरिया की चादर है, मेरे इस दिल की धड़कन पर केसरिया की चादर है। करे जो मौत को पावन शहीदों की शहादत है, वही चाहत हृदय में भर के आई हूँ। मेरी माँ भारती की आरती मैं करके आई हूँ, मेरी माँ भारती की आरती मैं करके आई हूँ। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप, और जाहिर है कि ये धरती प्रतापों की धरती है, ठाकुरों की धरती है, जो सिर्फ देना जानते हैं। आप सबके बीच आई हूँ और आज सबसे कुछ नहीं चाहिए, आपका स्नेह लेकर जाऊँ, आपकी तालियां लेकर जाऊँ और पुनः हमेशा आपको याद रखूँ। कुछ पंक्तियाँ आप सबके बीच रखती हूँ। जब भगवान राम ने अयोध्या से जाकर लंका विजय की, सोने की लंका, पर वहाँ रुके नहीं, लौट कर अपनी मातृभूमि को आते हैं। यहीं से हर बच्चे को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो कमाने लगता है, बाहर विदेशों में चला जाता है, वहीं बस जाता है और वृद्ध माता पिता को अपने गांव देश में छोड़ देता है। तो कुछ पंक्तियाँ वहाँ से निकलती हैं, आप सबके बीच पहुँचाती हूँ। जमी की धूल से उड़ कर गगन तक माप आते हैं, जमी की धूल से उड़कर गगन तक माप आते हैं। परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं। जीवन में कोई भी कठिन क्षण आए, पर हम उससे उबरते जरूर हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। धधकती धूप निकली है, छटा है रात का मंजर, धधकती धूप निकली है, छटा है रात का मंजर। अंधेरे हो घने कितने, उजाले फिर भी आते हैं। अंधेरे हो घने कितने, उजाले फिर भी आते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, पर संसार के लिए वही लोग प्रेरणा बनते हैं जो नीचे से ऊपर तक का सफर तय करते हैं। पंक्तियां पहुंचाती हूँ आप सब तक। सरलता से जमाने में जिन्हें सब मिल गया प्रतिमा, सरलता से जमाने में जिन्हें सब मिल गया प्रतिमा, किसी संघर्ष के फिर वो कहाँ माने समझते हैं, किसी संघर्ष के फिर वो कहाँ माने समझते हैं। चार पंक्तियां आप सब तक पहुंचाती हूँ, ये लास्ट पंक्ति है। हाँ। लहरों से टकरा कर, आप तो बैरियर एकदम किनारे लगा के रखे हैं कि बस जगह मिले घुसेड़ दे, जैसे कभी कभी जाम में आप देखेंगे कि बस जगह मिले साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले किसी भी तरह उसी में घुसेड़ दे, और जाम की स्थिति उस समय और भी गड़बड़ हो जाती है। बस चार पंक्तियां आप तक रखकर मैं मंच लूंगी, अपना स्थान लूंगी। लहरों से टकरा कर पतवार चलाना पड़ता है, थक जाते हैं पग जब उत्साह जगाना पड़ता है। यूं ही अखबारों में जगह नहीं मिलती प्रतिमा, स्याही बनकर किसी कलम की धार लगाना पड़ता है, स्याही बनकर किसी कलम की धार लगाना पड़ता है। मैं एक मुक्तक रखूंगी आप सबके बीच, उसके बाद अपना स्थान लूंगी, क्योंकि यहाँ मातृशक्ति हम सबके बीच है। कुछ पंक्तियां माताओं के लिए आप सब तक पहुंचाती हूँ।
जीवन में हम कोई भी सफलता अर्जित कर लें उसके पीछे हमारे माता पिता का आशीष होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई संन्यास लेता है तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है पर कभी मातृ ऋण से मुक्त नहीं होता। तो पंक्तियां सब तक पहुंचाती हूँ। बिना बोले मेरे हर भाव पढ़ लेती है माँ मेरी। मेरी माँ नहीं आपकी माँ, विश्व की हर माँ अपने बच्चों के सुख दुख को उनके बिना कहे जान लेती है। बिना बोले मेरे हर भाव पढ़ लेती है माँ मेरी। जमी से अर्श तक चमकू दुआ देती है माँ मेरी। जमी से अर्श तक चमकू दुआ देती है माँ मेरी। मेरा परिचय, बेटियां माँ का प्रतिबिंब होती हैं, मेरा परिचय है बस इतना, मैं माँ की ही लिखावट हूँ। घिरी हूँ गर्दिशों में जब दुआएं थाम लेती हैं। घिरी हूँ गर्दिशों में जब दुआएं थाम लेती हैं।